हाय हेलो नमस्कार मुझे जसवंत आपको स्वागत करुच्ची विज्ञान चैनल को। तो पुणि गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आज आम ये कौन कथा जाऊे ना अपकमिंग 4070 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर एमसीक्यू पैटर्न आम फोकस करें डिस्कसन करुचे। तो पूर्व भिडियो जब आप देखी ना आम बहुत ये भिडियो डिस्कसन कर सारे तो सबूर लिंक आम डिस्क्रिप्शन में अच्छी तले जाकर देखी ना चैनल को जाए भिजिट करूँ। तो सब भिडियो जमी मुझे गोटे इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचारे तार आंसर तार नेक्स्ट भिडियो कहे। तो ये भिडियो कि दुईट इमेज क्वेश्चन पचार जोटा कि 10 नंबर में पचार 14 नंबर में पचार तार राइट आंसर आपको जना अच्छी तो तले निश्चिंत कमेंट कर दिंतु। ठीक अच्छे तो मुझे आपको निश्चिंत रिप्लाई देवी। आज जब आपको भिडियो भल लगे निश्चिंत भिडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ आपंक सांग सहित आपंक ग्रुप में जिते पार्टी सेयार करूँ। आज चैनल को सब्सक्राइब करना जाकर एवं सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को अल्रे रखु यही इंटरेस्टिंग भिडियो आपने संगे संगे पारे। ठीक अच्छे आज जब आप किसी क्वेरी अच्छी किसी क्वेश्चन अच्छी आम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम रो लिंक दिखाई से जॉइन हो पारे आमको किसी भी आपंकर असुविधा है पचारि पारे। ठीक अच्छे तो आज वीडियो को स्टार्ट करवा। तो आज वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मुझ गत जो वीडियो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पचार तार आंसर आपको कही रखुच्ची। तो बहुत पिला 100% पिला राइट आंसर देखते बोध हुए मो कमेंट देखा भितर जब गोटे कि दुईटा सिंगल पिला जे कि जापार ना टी जोटा कि भूल आंसर देते ना 100% पिला राइट आंसर देते। ठीक अच्छे तो यही भाव आप पढ़ा को जारी रखु। तो देखो मुझे कही रखुच्ची आंसर टी कौन हम ना आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौ इंस्ट्रूमेंट तो राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी एपी एपिसोटोमी सीजर। तो एपिसोटोमी सीजर रो काम कौन ना आमर जो चाइल्ड बाथ बेले जो एपिसोटोमी हुए आमर जो चाइल्ड बाथ कानालटा रहा तो भाजनाल कानाल आमर जो वाइडनिंग कराए मानने किसी इनसीजन होकर चाइल्ड बाथ जो एरिया रहा वाइडनिंग कराए तो से टाइम आमर इंस्ट्रूमेंट यूज हुए दैट इज एपिसोटोमी सीजर एपिसोटोमी टाइप। ठीक अच्छे तो एपिसोटोमी टाइप जो आम सीजर टी रहा बहुत टाइम यूज होता है। ठीक अच्छे तो भाव मैंने बुझीपारे आज भिडियोर फास्ट क्वेश्चन देखो फास्ट क्वेश्चन आप कौन देखो द इनफ्लामेशन ऑफ द नेल बेड इज कॉल्ड कौन कहला ना जदि हमर इनफ्लामेशन हेजी नेल बेड नेल रो साइड रे तो हम ताकू कौन बोली कहिबा ऑप्शन देखो पारोनाइचिया कहिबा ना क्लबिंग कहिबा ना प्रुराइटिस कहिबा ना एक्जिमा कहिबा। ठीक अच्छे तो जदि राइट आंसर जाना अच्छी आपंक काम आप जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु आपारे आप राइट आंसर देते कि रंग आंसर देते। ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज पारोनाइचिया। ठीक अच्छे जदि आमर नेल बेड इनफ्लामेशन होमें कौन बोली कहवा ना पारोनाइचिया बुझिपारे। तो निजे खाता कलम नोट कर रखुद ना स्क्रीनशॉट मारी रखु जमीक एग्जाम पूर्व देखिकी जी। ठीक अच्छे तो आपको मुझे एक्सप्लेनेशन कह रखुच्छे देखु एक्सप्लेनेशन कौन दे पारोनाइचिया इज ए नेल इनफ्लामेशन दैट मे रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा इरिटेशन और इनफेक्शन इट कैन अफेक्ट फिंगर नेल्स और टो नेल्स। पारोनाइचिया कैन डेवलप व्हेन बैक्टीरिया एंटर ब्रोकन स्किन नियर दि क्यूटिकल एंड नेल फोल्ड कॉजिंग एन इनफेक्शन। ठीक अच्छे आमर जो नेल रो चारिपटे रहिला जदि आमर किछि भी ब्रोकन होउची देन आमर इनफेक्शन हे इनफ्लामेशन हेबाकु आमे कोन बोली कहू ना पारोनाइचिया बुझि परले। जदि फिंगर नेल्स रो होउची भी आमे ताकु पारोनाइचिया कहबा आ जदि पादरे बा टो नेल्स रो होउची आमे ताकु भी कहबा पारोनाइचिया बुझि परले। त मु आपनकु देखै दोउची इमेज टी देखंतु। तो देखो इमेज टी देखु इमेज टी आम देखी कौन देखो आमर ये नेल बेड नेल रो साइड रे देखो इनफेक्शन होटा कि कौन कहू ना पारोनाइचिया देखो आमर ये फिंगर नेल भी हो पारे एंड टो नेल रे भी हो पारे। ठीक अच्छे तो जिदि भी आम जो हूँ फिंगर नेल और टो नेल आम पारोनाइचिया बोली कहवा। ठीक अच्छे तो मन रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दुई नंबर देखो कौन दे नर्स हाज टू नो द टर्म ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड मीन्स कौन कहला ना जन नर्स अच्छा जी कि कौन जाना दरकार गोटे टर्म गोटे जाना दरकार कौ टर्म ना ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड रोटे टर्म आम कौन बोली कहू ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ठीक अच्छे तो देखो ऑप्शन देखो ओटाइटिस कहवा ना एंट्रोपियन कहवा ना टॉसिस कहवा ना टेरिजियम कहवा। ठीक अच्छे तो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड को आम गोटे टर्म रे कौन बोली कही था। ठीक अच्छे क्वेश्चन बुझिपारे आदि आंसर जना अच्छी तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु। मुँह भी यो टर्मटा बहुत थर भी आम भिडे डिस्कसन करे। ठीक अच्छे तो देखो आर राइट आंसर कौन हम दैट इज ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स को आम गोटे टर्म रे कहवा कौन बोली कहवा
ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟସିସ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରପିଂ ଅଫ୍ ଆଇ ଲିଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଚିତ୍ରଟେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟସିସ୍ ଇଜ୍ ହୋଏନ୍ ଦ ଅପର୍ ଆଇ ଲିଡ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଓଭର୍ ଦ ଆଇ ଲିଡ୍ ମେ ଡ୍ରପ୍ just a little or so much that it covers the pupil, the black dot at the center of your eye that lets light in, ptosis can limit or even completely block normal vision। to kon kahila na ptosis re kon hue amar upper eyelid ta drop kare bele bele kon hue na kichhi matra re drop kare bele bele kon hue na amar akhira jo pupil achi ताकू भी मध्यम कवर कर दिए जो कि आम नॉर्मल विजन हैम्पर हुए, ठीक अच्छे। तो टसिस जब ट्रीटमेंट न हो तो सीटा भी आम विजन को मानते हैम्पर कराइब। आपको देखे दूसरे देखो इमेज टी, तो इमेज टी देखो ये भाव आम आखि पताटी पूरा मैंने पूरा अपर आई लिड आम पूरा पड़ जाए पीपिल उपर, ठीक अच्छे, जोटा कि आम नॉर्मल विजन में बहुत हैम्पर करे। तो ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम द यूटेरस ड्यूरींग प्रेगनान्सी इज कल्ड, कौन कहला ना आम प्रेगनान्सी टाइम जो प्री मैच्योर सेपरेसन हो जाऊँगी टाइम है सेपरेसन करने प्लासेंटा को जोबाइल तार प्री मैच्योर अटोमेटिक सेपरेसन हो यूटेरसु तो आम से कौन ताकू, ठीक अच्छे। देखू गोटे इंपोर्टां क्वेश्चन, प्लासेंटा प्रिभिया कही था ना प्लासेंटा आब्रप्शन कही था ना पीपीएच कही था ना नन अफ दि एभव, ठीक अच्छे। तो भावुँ क्वेश्चन टी बुझीपारे, तो जब राइट आंसर जना अच्छे तो निश्चिंत कमेंट कर दिंतु, ठीक अच्छे। तो आर राइट आंसर कौन हम देखो, मुझे आपको भलसे बुझे दूसरी। देखो कौन कहला आपण मैंने जानते आमर यूटेरस रहा आठ रहा फिटस, ठीक अच्छे। यूटेरस रु प्लासेंटा लगी थाए फिटस को, ठीक अच्छे, जोटा कि आम कि भी फूड मटेरियल जहाँ भी रहा आम सब ऑक्सीजन फक्सीजेन सब सप्लाई हुए फिटस को, ठीक अच्छे, जोटा कि आम प्लासेंटा द्वारा जितेबाला आम ये प्लासेंटाटा यूटेरस रु डिटाचमेंट होगा सेपरेसन होगा से टाइम बहुत मानते डिफिकल्टी ये सिचुएसन, तो आम कौन बोली कही था, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लासेंटा अब्सॉर्प्शन, ठीक अच्छे। तो बी होची हमरो राइट आंसर, जमा भी भूलिबनि लिखिकी रखंतु। मु आपनकु दीटार डिफरेंस भी कहि देबी, ए कोन आ बी कोन, किंतु एठी हमरो राइट आंसर कोन हला, दैट इज ऑप्शन बी। तो आपन मन रे ऑप्शन ए आसुथिबो, तो ऑप्शन ए नुह, तो मु ऑप्शन ए कोन को केस रे हबो मु आपनकु कहि रखिबी, ठीक अछि। तो देखंतु कोन हबो ना प्लासेंटा अब्रप्शन अकर्स, कौन कहला ना प्लासेंटा अब्रप्शन हुए व्हेन द प्लासेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द इनर वॉल ऑफ द यूटरस बिफोर बर्थ, प्लासेंटल अब्रप्शन कैन डिप्राइव द बेबी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कॉज हेवी ब्लीडिंग इन द मदर, इन सम केसेस अर्ली डेलीवरी इज नीडेड, कौन कहला ना आमर मानने बेबी बाथ बा फिटस बाथ पूर्वर कौन हुए ना प्लासेंटाटा सेपरेसन हो जाए यूटेरस वाल रु, जोटा कि आम कि भी ऑक्सीजन सप्लाई हुए नहीं न्यूट्रिएंट सप्लाई हुए नहीं आम बेबी को, तो सेटा होची बहुत डिफिकल्टी। तो से आमर अर्ली कौन हुए ना डेलीवरी शीघ्र आवश्यक जदि पिला को रिभाइव करार अच्छी, ठीक अच्छे। तो आपण मन में आसुव जो कहली ए क्वेश्चनटा आमर ए ऑप्शनटा आपण मन में बहुत आसुव कि एटा कहीं हेनी, तो मुझे देखे दूँ प्लासेंटा प्रिभिया माने कौन, ठीक अच्छे। देखो प्लासेंटा प्रिभिया इज ए प्रोब्लेम ड्यूरींग प्रेगनान्सी व्वेन द प्लासेंटा कम्प्लीटली और पार्सीआली कभर्स द ओपनिंग अफ दि यूटेरस, कौन कहला बुझु ठीक से, प्लासेंटा आब्रप्शन आउ प्लासेंटा प्रिभिया डिफरेन्स बुझु, प्लासेंटा प्रिभिया आब्रप्शन तो बुझे ए प्रिभिया बुझु, प्रिभिया कौन देखिए ना गोटे प्रेगनान्सी टाइम जिते प्लासेंटाटा कौन हुए ना कम्प्लीटली और पार्सीआली जिते आम सर्भिक्स यूटेरस ओपनिंग टाक कभर कर दिए आम कौन बोली कहू ना दैट इज प्लासेंटा प्रिभिया, बुझेगा। तो प्लासेंटा प्रिभिया प्लासेंटा आब्रप्शन जमा भी आ भितर डाउट करेनि, ठीक अच्छे, लिखिकी रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार नंबर, ईडीडी इज कैलकुलेटेड बाय व्हिच फॉर्मूला, ठीक अच्छे, सिंपल क्वेश्चन आपण को भी कन्फ्यूज कराइब, ठीक अच्छे, भल से देखु और राइट आंसर दिंतु, यदि जना अच्छे निश्चिंत कमेंट भी मध्य कर दिंतु, ठीक अच्छे। ईडीटी कहले ईडीटी जो आम कैलकुलेट हुए कौ फॉर्मूला अनुजाई कैलकुलेट हुए, क्वेश्चन ऑप्शन सुनंतु, स्नेलेस चार्ट ना आलेंस टेस्ट ना नेगल्स रूल ना ऑल ऑफ द अबव, तो ईडीडी आमर कौ फॉर्मूला अनुजाई आमर कैलकुलेट हुए, ईडीटी रो फुल फॉर्म कौन ना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक अच्छे। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आमर कौ फॉर्मूला अनुजाई आम कैलकुलेट करू, ठीक अच्छे। तो देखो आर राइट आंसर कौन हम,
That is option C is the right answer. That is Nagel's rule. Nagel's rule amra EDT pai calculate kariya pai bahut helpful hoita hai ba ame sei formula use kari EDT calculate kari thau. Thik achi babu ji bujhi parle to Snell's chart jama bi nuhe amra dekhantu Snell's chart kon pai hue na I ro amra vision ku mane test kariya pai amra Snell's chart hoita hai. आलेन्स टेस्ट कौन पे हुए आलेन्स टेस्ट हुए आमर जेते बेले एबीसी होउची कि आमर केते बेले रेडियल आर्टरी कि अल्नर आर्टरी जदी आमर पैटर्न से चेक करिया पडची हमें आलेन्स टेस्ट करू ठीक अछि आ नेगल्स टेस्ट को नेगल्स रूल आमर कोथ पे यूज हुए ना ईडीटी ठीक अछि तो मने रहला सब ऑप्शन अपन भलो से बुझाई देली ठीक अछि मैं अपन देखे दोची ईडीटी जो रूल जा बाय ईडीटी जो फार्मूला तार कोन देखंतु नेगल्स फार्मूला नेगल्स रूल और नेगल्स रूल फार्मूला कोन ना ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी बाय एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हमें केमिति भर करे ना फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल गोटे वुमेन रो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज ठीक अछि 9 मास प्लस 7 दिन आउ तार फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रे ऐड हबो ठीक अछि बाबू जी बुझी परले तो आमे भी ए क्वेश्चन सब डिस्कशन करी छे कि केबे आमे केमिति पाइबा बोली ठीक अछि तो नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट कोन दे जी ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ लेबर प्लासेंटा इज डिलीवर्ड देखंतु कंफ्यूजिंग भी अछि इजी भी अछि यदि आपन को राइट आंसर जाना अछि त निश्चित कमेंट कर दियंतु कोन कहिला हमर को स्टेज ऑफ लेबर रे प्लासेंटाटा डिलीवर्ड हेथाय ठीक अछि ऑप्शन देखंतु स्टेज 1 ना स्टेज 2 ना स्टेज 3 ना स्टेज 4 तो को स्टेज रे प्लासेंटाटा हमरो माने डिलीवर्ड हेथाय ठीक अछि क्वेश्चन सुनले एबे ऑप्शन भी सुनले यदि राइट आंसर जाना अछि त निश्चित कमेंट कर दियंतु नले देखंतु म आपन को बुझाइ दउ छी ठीक से तो प्लासेंटा हमर केबे डिलीवर्ड होता है दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज स्टेज 3 स्टेज 3 रे हमर कोन हुए ना प्लासेंटाटा डिलीवर्ड होता है ठीक अछि स्टेज 1 रे कोन हुए वंतु स्टेज 1 रे हुए डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स ठीक अछि स्टेज 2 रे कोन हुए ना चाइल्ड बर्थ और बेबी बर्थ हुए ठीक अछि स्टेज 3 रे कोन हुए सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा बा प्लासेंटा हमर डिलीवर्ड हुए ठीक अछि आ स्टेज 4 रे कोन हुए गोटे गोटे बहिरे स्टेज 4 भी देछि जोटा कि हमर प्यूरीपेरियम रो किछि घंटा बा 1 रु 4 घंटा सेटा नउछि जोटा कि रिकवरी फेज भी मध्ये कह जाउछि ठीक अछि तो देखंतु म अपन को भलसे देखै दउछि देखंतु स्टेजेस ऑफ लेबर आकु चाहिले अपन माने स्क्रीनशॉट करि परिबे नले वीडियो को पॉज करिकि लेखंतु ठीक अछि लेखिकि रखंतु देखंतु स्टेज ऑफ लेबर स्टेज 1 ऑनसेट ऑफ लेबर टू कंप्लीट डायलेटेशन दैट इज 10 सेंटीमीटर स्टेज 2 कंप्लीट डायलेटेशन टू बर्थ स्टेज 3 बर्थ टू डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा स्टेज 4 डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा अंटिल 1 टू 4 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ठीक अछि तो भाबु जे अपन माने बुझी परले ठीक अछि आकु निश्चिंत स्क्रीनशॉट करि रखंतु मोस्ट 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 इंपोर्टेंट ठीक अछि तो जहाँ ले भी गोटे क्वेश्चन आसी पारे लेबर रु तो आपण माने जानि थिबे लेबर गाइनिंग केते इंपोर्टेंट गोटे एग्जाम पई ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 6 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गानो फास्फोरस पॉइजनिंग कोन कहिला ना हमर को मेडिसिन ऑर्गानो फास्फोरस पॉइजनिंग बेले हमें यूज करू ऑप्शन देखंतु एड्रेनालिन ना एट्रोपिन ना मैग्नीशियम सल्फेट ना पेनिसिलामाइन को इंजेक्शन हमें ऑर्गानो फास्फोरस टाइम रे यूज करू बट ड्रग ऑफ चॉइस इन ऑर्गानो फास्फोरस पॉइजनिंग ठीक अछि बाबूजी बहुत पिला राइट आंसर देबे देखिबा केते जण पिला राइट आंसर दउछन्ती जदी आपन को जणा आछि तळे निश्चित कमेंट कर दियंतु तो आर राइट आंसर कोन हबो ना हमें ऑर्गानो फास्फोरस पॉइजनिंग बेले दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हमें एट्रोपिन को यूज करू आइडियली गोटे ड्रग हिसाब रे ठीक अछि तो मैं आपन को देखै दउछि आपन माने जेमती आ जम्मा भी भूलिबेनी देखंतु मेडिकेशन समरी कौन कहला ना द मेन स्टेज ऑफ मेडिकल थेरापी इन ऑर्गानो फास्फोरस पॉइजनिंग बा ओपी ओपी पॉइजनिंग इंक्लूड एट्रोपिन आ रहला हमर कोन ना प्रालिडक्सिम जोटा कि पाम एंड बेंजोडाइजेपाइन्स दैट इज डाइजेपाम इनिशियल मैनेजमेंट मोस्ट फोकस ऑन एडिक्वेट यूज ऑफ एट्रोपिन ठीक अछि तो एट्रोपिन हमर बहुत क्षेत्र रे यूज होय जोटा कि हमर ओपी क्षेत्र रे माने ऑर्गानो फास्फोरस पॉइजनिंग पाखरे ठीक अछि तो ओपी पॉइजनिंग क्षेत्र रे हमर बहुत मात्रा रे एट्रोपिन होय जाय कारण एट्रोपिन हमर कोन हुए ना एनहांस कराय हमर मेनली ओपी केस रे कोन थाय बा ऑर्गानो फास्फोरस केस रे कोन हुए ना हमर ब्राडिकार्डिया हुए
ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିପି ବି ଫଲ୍ ହୁଏ, ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ କେସ୍ ଯେଉଁଟା ମସଲ ରିଲାକ୍ସେଣ୍ଟ ହୁଏ, ବହୁତ ମ୍ୟୁକସ୍ ବି ବାହାରେ, ସାଲାଇଭାରି ସିକ୍ରେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଟ୍ରୋପିନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁ, କାରଣ ଆଟ୍ରୋପିନ୍ ଏସବୁକୁ ଏନହାନ୍ସ କରାଏ ବା ବଢ଼ାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁଜୀ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର। ତ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚାହୁଁ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ଆଗ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପାପ୍ ସ୍ମିୟର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ। ତ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର ଆମେ କାହାକୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗାଇନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଭାରିଆନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ନା ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାନ୍ସର, ନା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର, ନା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ରିପିଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର ଆମର କେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର। ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ପାପ୍ ସ୍ମିୟର କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ବ୍ରସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଜେଣ୍ଟଲି ରିମୁଭ୍ ସେଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ସର୍ଭିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏରିଆ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍, ସୋ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେକ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଫର୍ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ଅର୍ ସେଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ରିମୁଭ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆମର ସର୍ଭିକ୍ସର କିଛି ସେଲ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ଆଣିକରି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖୁ କି କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି, ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପାପ୍ ସ୍ମିୟର ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ସର୍ଭାଇକାଲ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ମୁଭେବୁଲ୍ ବୋନ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ରାନିୟମ। ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲାଗିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମ କ୍ରାନିୟମର ଆମର ସବୁଠୁ ମୁଭେବୁଲ୍ ବୋନ୍ କେଉଁଟା, କ୍ରାନିୟମର ଗୋଟେ ମୁଭେବୁଲ୍ ବୋନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ଜିଲା, ନା ସାଇନୋସେସ୍, ନା ମାଣ୍ଡିବୁଲ୍, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବୋଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କି ସମସ୍ତେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍କୁ, ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ ନା, ମୁଭେବୁଲ୍ ବୋନ୍ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରାନିୟମର କିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ମାଣ୍ଡିବୁଲ୍। ମାଣ୍ଡିବୁଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରାନିୟମର ମୁଭେବୁଲ୍ ବୋନ୍, ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ମୁଭେବୁଲ୍ ବୋନ୍ ଆମର କ୍ରାନିୟମ୍ ବା ସ୍କଲ୍ର କିଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଣ୍ଡିବୁଲ୍। ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଓନ୍ଲି ବୋନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସ୍କଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ମସ୍ ଫ୍ରିଲି ମୁଭେବୁଲ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଅର୍ ମାଣ୍ଡିବୁଲ୍ ଅର୍ ଜ ବୋନ୍। ତାକୁ ଆମେ ଜ ବୋନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଦୁଇଟି ଆକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମନେ ରହୁନି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳଟା ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ମାଣ୍ଡିବୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଯେବେ କଥା କହୁ ବା ଖାଉ ତ ଆମର ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ, ମାଣ୍ଡିବୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହାଜ୍ ନଟ୍ ହାଡ୍ ଏ ବାୱେଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ 3 ଡେଜ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ମେଡିକେସନ୍ସ ମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍। କ'ଣ କହିଲା, ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବାୱେଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 3 ଦିନ ହେଲାଣି ହେଇନି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବା ଏଇ 4ଟି ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁ ମେଡିକେସନ୍ର ୟୁଜ୍ ଫଳରେ ଆମର ତାଙ୍କର କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଉଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ରେ, ନା ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ୟୁଜ୍ରେ, ନା ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ନା ଆଇରନ୍। ତ କେଉଁ ଆମର ମେଡିକେସନ୍ ପାଇଁ କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଣା ଅଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇରନ୍। ଆଇରନ୍ ମେଡିକେସନ୍ ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିବ, ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ, ନା ଆଇରନ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ ଅନ୍ ଦି ଡାଇଜେସିଭ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଇରନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ କଜ୍ ନୋଜିଆ, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଟିଂ। ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ, ନଟ୍ ଏନି ଆଡେଡ୍ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆଇରନ୍ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେନ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍, ଆଇରନ୍ ମେଡିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ବି କ'ଣ କରାଏ ନା ନଜିଆ ବି କରାଏ, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ବି କରାଏ, ବ୍ଲଟିଂ ବି କରାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନା ଆଇରନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆମର ମେଡିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଇମେଜ୍
बिलो रिप्रेजेंट्स ये जो इमेज टी देछि भल से देखंतु मु आपनको ऑप्शन दे देखे देबी सेही ऑप्शन भीतर गोटे आंसर आपनको बाछिवार अछि देखंतु ये जो इमेज टी देछि एटा को इमेज बा एटी कोन होउछि ठीक अछि देखंतु ऑप्शन देखे दोछि बाबू जी बहुत पिला राइट आंसर देबे ऑप्शन देखंतु कोन देछि ना एटा हेमोप्टेसिस ना एटा नाजल लैसरेशन ना हेमोप्टेसिस ना एपिस्टैक्सिस तार राइट आंसर कौन हम जल्दी तले कमेंट कर दिंतु ठीक अच्छे तो देखु भल से इमेज टी देखु आश्चय आगे ऑप्शन टी भल से पढ़ु इमेज टी देखु तापर जल्दी जल्दी कमेंट कर दिंतु मुझे कमेंट अपेक्षार रही ठीक अच्छे बाबूजी बहुत पिला राइट आंसर देवे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एगार नंबर एच आई वी भाईरस बिलंगस टू ह्विच अफ दि फलोईंग ग्रुप्स एच आई वी भाईरस आम जो अच्छी आप जानते आमर ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी भाईरस सी कौ ग्रुप्रु बिलंगिंग करे ठीक अच्छे देखु फ्लाबी भाईरस रेट्रो भाईरस राबडो भाईरस हेपाडना भाईरस ठीक अच्छे तो एच आई वी आम कौ फैमिली कौ ग्रुप्रु बिलंगिंग करे आपको ये क्वेश्चन रो आंसर देवार अच्छी तो आर राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज रेट्रो भाईरस एच आई वी अथवा ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी भाईरस जी की एड्स रो पॉजिटिव एजेंट तो आम कौन हुए ना से कौ फैमिली ना रेट्रो भाईरस ग्रुप रो ठीक अच्छे मुझे आपको एक्सप्लेनेशन भी देखे दौर एच आई वी इज क्लासीफाएड आज ए रेट्रो भाईरस बिकज इट कंटेन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इट इज ए डी टाइप भाईरस इन द लेंटिभीरस फैमिली इन्फेक्शन ऑफ कल्चर टी फोर सेल्स विथ एच आई वी यूजुअली रिजल्ट इन सेल डेथ ठीक अच्छे तो एच आई वी टा कौन ना रेट्रो भाईरस ग्रुप रो ठीक अच्छे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दे इम्पेटिगो इज ट्रांसमिटेड बाय इम्पेटिगो ठीक अच्छे टर्मटा बहुत थर शुणी इम्पेटिगो क्या द्वारा ट्रांसमिटेड हुए शेयरिंग टावेल ना इटिंग इन सेम प्लेट ना सालाइवा द्वारा ना फूड कंटामिनेशन द्वारा तो इम्पेटिगो आमर क्या द्वारा ट्रांसमिटेड होता है ठीक अच्छे तो राइट आंसर कौन हम जदि आपको जना अच्छी तेज़ निश्चित कमेंट कर दिंतु तो इम्पेटिगो आमर क्या द्वारा व्यापे दैट इज ऑप्शन ए शेयरिंग टावेल इम्पेटिगो गोटे कौन इम्पेटिगो हूँ आम गोटे स्किन डिजीज ठीक अच्छे तो स्किन डिजीज मेन कौन हुए स्किन टू स्किन जदि कंटाक्ट हो स्किन टू स्किन देन आम इनफेक्शन होबार चान्स अच्छी तो जदि जड़े जो जी कि इम्पेटिगो रे अफेक्टेड होती आम सी टावेल को आम जब यूज करवा जो सोर रहा जो क्रस्ट रहा आम देहरी भी लगेगा तो आमको इम्पेटिगो होबार बहुत चान्स अच्छी ठीक अच्छे आपको मुझे भलसे देखे दूसरी देखो इम्पेटिगो केमी ना इम्पेटिगो एमती आम टोटाल क्रस्ट टाइप ब्लिस्टर टाइप हो जाए ठीक अच्छे तो जमा भी भूल इम्पेटिगो जोटा कि आम रहा स्किन इनफेक्शन ठीक अच्छे तो स्किन इनफेक्शन मेनली स्किन टू स्किन कंटाक्ट हुए जोटा कि ऑप्शन ए दैट इज शेयरिंग टावेल द्वारा आम ट्रांसमिटेड होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पस इन द यूरीन इज कॉल्ड तो यूरीन में जदि आम पस आसमें गोटे टर्म कौन बोली ठीक अच्छे ऑप्शन ए आनयूरिया कही था ना डिसयूरिया कही था ना पॉलीयूरिया कही था ना पायूरिया कहू ठीक अच्छे गोटे भी ये भी गोटे इजी क्वेश्चन देखा केते पिला राइट आंसर दौंस तो राइट आंसर कौन हम जब आपको जना अच्छी तले निश्चिंत कमेंट कर दिंतु तो पस इन द यूरीन तो यूरीन में जब आम पस आस कौन बोली कहू दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज पायूरिया पायूरिया आम कही था ठीक अच्छे बाबूजी मन रही तो देखो आनयूरिया कौन आगो आप डिफरेंशिएट कर दिंतु आनयूरिया हूँ आबसेन्स और लेस यूरीन डिस्यूरिया कौन डिफिकल्टी इन यूरिनेशन पॉलीयूरिया कौन एक्सेस ऑफ यूरिनेशन ठीक अच्छे तो पायूरिया गोटे बोलला तो ये पायूरिया कौन पस इन यूरिन ठीक अच्छे मन रक्सप्लेनेसन देखे दूसरी देखो पायूरिया कैन कॉज द यूरिन टू लुक क्लाउडी और आज इफ इट कंटेन्स पस द प्रेजेन्स अफ पायूरिया अफन अकर्स इन ए यूरीनरी ट्रैक इनफेक्शन इन रेयर केसेस इट कैन बी साइन अफ कम्प्लिकेटेड यूटीआई और सेप्सीस ठीक अच्छे जदि आम कि यूरीनरी ट्रैक इनफेक्शन अच्छी सेप्सीस अच्छी आम पस विथ आम यूरीन आसे जोटा कि क्लाउडी कलर ठीक अच्छे भाई आप मन रेक्स्ट जावा नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आप अच्छी इमेज बेस्ड क्वेश्चन कही भिडियो आपको दुईट पचार ठीक अच्छे सेकेंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन ठीक अच्छे देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर ये कैथेटर को भल से देखु ये कैथेटर टी कौन जमा भी कन्फ्यूज हे आपर कन्फ्यूजेसन ये क्वेश्चन टा भी मुझे देखा केते पिला राइट आंसर दौंस ठीक अच्छे तो ये जो कैथेटर टी कौन आपको ऑप्शन टी देखे ऑप्शन देखु मैलेकट्स कैथेटर पॉलीज कैथेटर हर्ट्स कैथेटर इनफ्यूजन कैथेटर
तो यही जो कैथेटर टी आमर कौन आपन को जल्दी तले कमेंट करार अछि तो जल्दी तले तले कमेंट कर दियंतु मु आपन को निश्चिंत रिप्लाई देबी आ आपन को कमेंट अपेक्षा रे निश्चिंत रहै छी तो जल्दी जल्दी कमेंट करंतु एई चारटी ऑप्शन भितरु राइट आंसर कोटा हबो ठीक अछि तो जमा भी व्यस्त होबार नै जदी आपन को आंसर जणा नै नेक्स्ट वीडियो को वेट करंतु नेक्स्ट वीडियो रे मु आपन को एक्सप्लेनेशन सह आर आंसर कहि देबी ठीक अछि तो देखंतु आर आंसर कोन हबो जल्दी आपन को कमेंट कर दियंतु तो नेक्स्ट जिबा 15 नंबर क्वेश्चन वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन अमर जो कार्डियक साइकिल रहिला टोटल जो कार्डियक साइकिल अमर केते समय भीतर कंप्लीट हुए ऑप्शन देखो 0.57 सेकंड 0.8 सेकंड 0.9 सेकंड ऑप्शन डी 0.1 सेकंड तो केते समय भीतर अमर गोटे कार्डियक साइकिल हेता है ठीक अछि बाबू जी बहुत पिला राइट आंसर देबे देखिबा केते पिला राइट आंसर दोदुंथि जल्दी जल्दी तले कमेंट कर दियंतु तो आर राइट आंसर कौन हबो दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दैट इज 0.8 सेकंड ठीक अछि तो 0.8 सेकंड रे हमर सब गोटे जो कार्डियक साइकिल रहिला गोटे हमर कार्डियक साइकिल हे जाय थाय तो मु आपन एक्सप्लेनेशन रे देखि दउ छी देखंतु ए हेल्दी ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट व्हिच स्टेट्स दैट देयर आर 72 कार्डियक साइकिल पर मिनट द कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स ए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द आट्रिया एंड वेंट्रिकल एंड द साइकिल लास्ट आटलिस्ट आमर जो रहला कोन ना 0.8 सेकंड ठीक अछि तो 0.8 सेकंड रे हमर टोटल जो कार्डियक साइकिल रहला बा कंप्लीट आमर कोन ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ बोथ आट्रिया आउ आमर वेंट्रिकल सबुरु आमर हे जायथे केते सेकंड भितरे ना 0.8 सेकंड भितरे गोटे साइकिल 0.8 सेकंड भितरे ठीक अछि तो भाबुजी आपनकर मने रहइबो आउ गोटे कथा कहि रखुचि जदि आपन किछि भी मने रहुने निजे नोट करि रखंतु जेमति कि एग्जाम पूर्वरु आपन को ओवरलुक करे टिके हेले जिबे जेमति कि आपन एग्जाम को फेस करि परिबे ठीक अछि तो एटा थिला आज वीडियो रो लास्ट क्वेश्चन एमदि वीडियो देखबा पई हम चैनल को सपोर्ट करंतु आ जदि आपन को वीडियो भल लागिछि निश्चित लाइक करंतु कमेंट करंतु आ आपन संग मन सहित आपन ग्रुप रे शेयर करंतु ठीक अछि आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी आगे सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को ऑल रखंतु आ हम टेलीग्राम आ व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक अछि हम डिस्क्रिप्शन ने जदि आपन माने जॉइन हे नंदी देखि जल्दी जल्दी हम फैमिली रो गोटे मेंबर हे जांदु ठीक अछि तो एई बोली वीडियो हम आपन को देई चलिबु हमको एमते आपन सपोर्ट करथांतु तो आज पई एट रहली तो नेक्स्ट देखाबो आगामी एमते गोटे इंटरेस्टिंग वीडियो सहित तो आज पई रहली जय जगन्नाथ।